हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में हम लोगों ने देखा था इफेक्टिव इंडक्टेंस का मान क्या होता है। तो सीरीज में देखा था हम लोगों ने कि इंडक्टेंस का मान बढ़ जाता है, पैरेलल में देखा था इंडक्टेंस का मान घट जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि L1 L2 इंडक्टेंस के दो इंडक्टर को जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस L इक्वल टू मिला था L1 प्लस L2, और यदि हम लोग उसी दोनों इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव इंडक्टेंस या रिजल्टेंट इंडक्टेंस या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का जो मान है वो हम लोगों को मिला था 1 बाय L इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 मिला था, अर्थात L बराबर डायरेक्ट बोलना चाहेंगे प्रोडक्ट बाय सम। तो इसमें से देखा जाता है एक्सप्रेशन के द्वारा कि वहाँ पर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मान घट जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यदि इंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं और करंट के धारा के मान को बदलते हैं तो वहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ता है, और वर्क करने में जो एनर्जी एक्सपेंड होता है वह एक्सपेंड एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाता है, और वह स्टोर्ड एनर्जी उसका मैग्नेटिक एनर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक एनर्जी कहलाता है। तो चलिए हम लोग उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी। क्या हेडिंग बनाएंगे? मैग्नेटिक एनर्जी। लाइट चली गई है, 2 मिनट वेट करेंगे जरा से जल्दी से। चलिए हम लोग तैयार हो जाइए। लाइट डिस्कनेक्ट होने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है मैग्नेटिक
एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और क्वाइल। क्वाइल या इंडक्टर में संचित चुंबकीय ऊर्जा देखेंगे। यहां पर हम लोग इसका एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको आपको देखने को मिलेगा हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। ये रिजल्ट मिलेगा आपको। ये रिजल्ट कहां से आया कैसे आया इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे और थ्योरी को समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। कोई भी इंडक्टर मेरे पास है उस इंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे और करंट के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वहां पर हमें वर्क करना पड़ेगा और वर्क करने में जो एनर्जी खर्च होता है वह एनर्जी उस क्वाइल में या इंडक्टर में स्टोर्ड हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो चलिए हम लोग देखते हैं गौर से। हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक इंडक्टर है और इसमें सेल है आपका RH है, सेल है, स्विच है, तो इसमें हम लोग देखेंगे या इसमें करंट फ्लो कराएगा। आई हमारा करंट हो गया मेन करंट, मेन करंट हो गया। इस करंट आई के फ्लो होने के कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है और यहां जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग ई मान लेते हैं और इस क्वाइल का इंडक्टेंस एल इसका इंडक्टेंस है। तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो दिशा होता है यदि मेन करंट बढ़ने के क्रम में है तो उसका उल्टा होता है रिवर्स होता है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मान होगा ये बराबर हम लोग इसे सिंबल दें ये बराबर माइनस एल इंटू डी आई बाय डी टी। हम लोग ये कहेंगे यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये बराबर एल इंटू डी आई बाय डी टी। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड का बात करें तो एल डी आई बाई डी टी बोलेंगे हम लोग। तो जो ये जो ईएमएफ होगा यहां पर या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको हम कहेंगे क्वाइल के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं।
तो हम लोगों ने यह अनुभव किया था, देखा था कि चार्ज फ्लो कराने के लिए वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क को हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ चुका है। उपवास के वर्क के मान को हम लोग पढ़े थे, जिसको हम लोग अगले पेज में देखते हैं गौर से। यहाँ पर याद रखिएगा, MFE का मान का जरूरत पड़ेगा तो उसको कैसे लिखेंगे। अब ये मानते हैं हम लोग कि यहां पर इंड्यूस करंट होने का मतलब चार्ज फ्लो करता है, और ये चार्ज सेल फ्लो करता है तो सेल को हम लोग एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स बोलेंगे इसको हम लोग। यह एक्सटर्नल सोर्स चार्ज को फ्लो कराने में वर्क करता है, वह वर्क कितना करेगा उस वर्क के को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग पेज को चेंज कर रहे हैं, जल्दी से लिखा हुआ हो गया तो देखेंगे। बढ़े आगे, यह मैं सपोज करता हूं स्मॉल चार्ज अल्प आवेश DQ को प्रवाहित करने में किया गया कार्य वर्क डन स्मॉल वर्क डन DW होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर कॉइल के सिरों के बीच, इंडक्टर के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सोचेंगे वो EMF के बराबर होगा। तो यहां से देखेंगे वर्क डन DW इक्वल टू चार्ज DQ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या EMF के बराबर होगा। तो DW इक्वल टू DQ इंटू E का वैल्यू हो जाएगा L इंटू DI/DT। तो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं, DW बराबर L इंटू DI इंटू DQ/DT कह देंगे। DQ/DT I होता है, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा DW इक्वल टू L इंटू DI इंटू I। तो इसको मैं फाइनली लिखूंगा DW बराबर L इंटू I इंटू DI। अब हम लोग यहां पर देखते हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना चाहेंगे तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TW कहेंगे, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW करेंगे L इंटू I इंटू DI। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा W इक्वल टू L बाहर हो जाएगा, I DI का इंटीग्रेशन हो जाएगा I²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा हाफ इंटू L इंटू I² हो जाएगा। तो आपको बताया था, शुरू में ही बोल रहा था कि चार्ज फ्लो कराने में जो एक्सटर्नल जो सोर्स होंगे, मतलब बैटरी जो होगा, उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। टोटल वर्क जो करेगा, उस वर्क में जो एनर्जी स्टोर होगा, वह स्टोर एनर्जी जो खर्च होगा, वह खर्च एनर्जी जाके उसमें स्टोर हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टोर्ड मैग्नेटिक
एनर्जी इन एन इंडक्टर, कॉइल में संचित चुंबकीय ऊर्जा। तो यहां पर होगी आपका देयरफॉर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर इक्वल टू टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। स्टोर्ड एनर्जी को यदि हम लोग यू से डिनोट करें तो हम लोग यहां पर देखेंगे टोटल स्टोर्ड एनर्जी यू से डिनोट किया जाए, ये यू है, इसको यू मानिएगा आप लोग अच्छा से, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब आपको कैसे याद रखना है, क्या दिमाग में सेट करना है कि मान लीजिए कि इंडक्टर है, कोई भी इंडक्टर लेंगे तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस एल का मान कुछ होगा, उसमें करंट फ्लो करेंगे, करंट का मान कुछ होगा, तब कहेगा यहाँ पर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। तो कॉइल होगा, इंडक्टर होगा, ठीक है, करंट फ्लो करेंगे और उस करंट के मान को परिवर्तित करेंगे, तो मेन करंट तुम्हारा क्या है आई, कॉइल का इंडक्टेंस क्या है एल। तो ये दो चीज आपको मालूम रहना चाहिए, तब आप मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दुनिया में जितने भी कॉइल हैं या इंडक्टर हैं या सोलेनोइड है या टोराइड है, सब में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, मतलब करंट फ्लो कराने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सब जगह मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता है, और वो मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, इसी को याद रखना है। अब हम लोग कोई दूसरा उदाहरण भी लें, ये कोई भी इंडक्टर था तो ऐसा सोचे, यदि कोई सोलेनोइड होगा तब क्या होगा, तो चलिए उसको बताते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग विचार करते हैं यहां पर एक बात पूछा जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक वर्ड यूज होता है। तो जो इंडक्टर आपने लिया था, फिगर में गौर से देखिएगा या फिगर दूसरा बताते हैं आपको हम, सपोज करिए ये आपका इंडक्टर है, इसकी अपनी लंबाई यहां से यहां तक लंबाई L है, और इस सरफेस का जो एरिया है, ये जो सरफेस होगा इसका एरिया A मान लेते हैं, तो इस इंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर या क्वाइल जो भी बोलिए आप, आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम हो जाता है तुम्हारा एरिया इंटू लेंथ, और इस पूरे वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हुआ U, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुआ कितना U। तो मैं आराम से कह सकता हूं स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इंडक्टर, किसी भी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कितना होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर्ड होता है इज नॉन एज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी।
मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक सब छूट गया, उसको भी दिमाग में रखेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम, स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो अब यहां पर देखो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट कर दें और इस पर ऐसे लाइन खींच देंगे, स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी हो गया यू बाय वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। तब हमारा यहाँ पर टर्म हो जाएगा हाफ इंटू स्टोर्ड एनर्जी आपका था एल इंटू आई स्क्वायर इंटू या बाय ए इंटू एल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, पहले सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ने के बाद तब फिर सोलेनोइड का एनर्जी डेंसिटी पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अब हम लोग यहाँ पर छोटा सा चीज ये मैग्नेटिक एनर्जी पर फिर से बैक हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा चीज पढ़ेंगे, आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड, क्या पूछा जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड वो क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले सोलेनोइड क्या सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालना है, और एल निकालने के लिए पुराना चीज आपको याद होना चाहिए कि सोलेनोइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो बात याद रहेगा, वो बी का मान, चूंकि आपको बताए थे कि सर ईएमएफ के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फाई चाहिए, फाई के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए, बी के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए। तो क्वाइल में करंट फ्लो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, तो सोलेनोइड में करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो जानना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद फ्लक्स निकालना होगा, फ्लक्स में चेंज निकालेंगे तो ईएमएफ निकलेगा।
इतना चीज हम लोग को कहां से वहां तक करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हेडिंग बनाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड एंड एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दो चीज पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। इन दो चीजों पर फोकस करेंगे, किसके बारे में? सोलेनोइड के बारे में। ये सोलेनोइड वर्ड आपको दिमाग में याद होना चाहिए। तो सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालने के लिए चलिए बैक गियर सोच कहाँ शुरू करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस एल निकालेंगे तो आपने देखा था एन फाइव, एल बराबर क्या देखा था? एन फाइव। तो एन फाइव कितना होगा ये विचार करते हैं। फाइव मतलब फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए? फ्लक्स। फ्लक्स के लिए बी इंटू ए याद करो, फ्लक्स बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा भी होता है। यदि सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो थीटा जीरो, कॉस जीरो बराबर वन, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी होता है। तो उसके लिए बी चाहिए, और सोलेनोइड के लिए बी का मान क्या होता है? बोलिए बी बराबर क्या होता है? याद करना होगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब प्रश्न आएगा ये स्मॉल एन क्या है, ये स्मॉल एन क्या है? तो स्मॉल एन के बारे में आपको जो बताया गया है, ये स्मॉल एन आपको बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो चलिए आइए पूरा उसको बताते हैं आपको, रफ आपको डिस्कस कर दिए। अब हम लोग मेन चीज पर चलते हैं। सपोज करो आप बच्चे लोग कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है, और इस पर हम लोग वायर को लपेटते हैं। राइट? तो इसका यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ये लेंथ एल मानते हैं, और इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को आप ए मानिएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी एन है, कैपिटल एन है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या बड़ी एन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ हिंदी हुआ प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या। तो उसका सिंबल स्मॉल एन लिए थे, क्या लिए थे? स्मॉल एन बराबर, चूंकि देखो गौर से यहाँ पर हम लोग ऐसे सोचेंगे, चूंकि सर एल लंबाई में फेरों की संख्या एन, तो यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या क्या होगा? एन बाय एल। यही है वहां पर जो दिखाया जा रहा है आपको, इसी बात को दिमाग में रखिएगा। यहां पर एन बराबर हो जाएगा कैपिटल एन बाय एल। स्मॉल एन को मैंने समझा दिया। अब कहता है इस सोलेनोइड के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा,
अब यदि इसमें करंट फ्लो करें, मेन करंट आई, आई करंट फ्लो करेंगे, जैसे आई करंट फ्लो करेंगे, मेन करंट वाई है, मेन करंट आई फ्लो कराएंगे, तो इस सोलेनोइड के अंदर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड और ये जो कॉइल के सतह का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर होगा और उसी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड का बी का दिशा होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए हम लोग थीटा का मान क्या सोचेंगे, 0 डिग्री सोचेंगे। थीटा का मान जब 0 सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से, तो ऐसे केसेस में अब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आइए उसको सोचते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, सेंटेंस उतना लंबा नहीं करते हैं, सोलेनोइड बोल देते हैं, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से और यहाँ से बाहर निकल रहा है करंट। इस करंट कैरिंग सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनसाइड द सोलेनोइड, तो बी बराबर हमको याद होना चाहिए म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। पूरे सोलेनोइड की यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या कितना है, स्मॉल एन, करंट कितना फ्लो किए, आई, बस यही बात जानना है। और उसमें बताए थे कि सोलेनोइड के लेंथ पर और उसके डायमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, तो ये फॉर्मूला हमारा आता है ये। अब देखिएगा इस कॉइल के प्रत्येक फेरा से सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्रत्येक टर्न में फ्लक्स कितना होगा, प्रत्येक फेरा से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यदि पूछा जाए आपसे, आप बच्चों का जवाब होगा फाइव। कॉइल का प्रत्येक फेरा है उससे मैग्नेटिक फ्लक्स संबंध होगा और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइव। तो फाइव बराबर हमारा क्या होगा, हम लोग गौर करके देखिएगा, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव बराबर आपका हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारा फाइव निकल जाएगा, फाइव बराबर बी, बी का वैल्यू पुट कर सकते हो, इंटू ए कर सकते हो, कॉस थीटा का वैल्यू कितना लोगे यहाँ पर, 0 डिग्री, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो फाइव बराबर हो गया बी ए, एक फेरा से संबद्ध मैग्नेटिक फ्लक्स, एक फेरा से एक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया फाइव। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेंगे तो फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या माने हैं, टोटल कैपिटल एन, कुल फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल एन। तो यहाँ पर मैं कहूँगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यदि पूछा जाए तो जवाब होगा एन फाइव, क्या हो जाएगा, फाइव एक फेरा से हुआ, एन से गुना कर देंगे, एन फाइव हो जाएगा। अब फाइव का मान आपको मालूम है, एन इंटू ए इंटू बी, ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। जल्दी नोट कर लीजिए, पेज चेंज करेंगे हम लोग। आगे बढ़े तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपने निकाल के रख लिया है एन ए बी। अब ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा चीज, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वह करंट पर डिपेंड होता है, जो पिछले क्लास में देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, उसी को हम लोग यूज करेंगे और वहीं से हमारा इसका एल निकलेगा। इस सोलेनोइड का इंडक्टेंस यदि L मानते हैं तो L का मान कितना होगा ये जानेंगे, तब स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी निकलेगा, क्योंकि उसमें होगा हाफ इंटू L इंटू आई स्क्वायर, हमें L पहले चाहिए।
किसी जनरल कॉइल के लिए एल इंडक्टर के लिए निकाल चुके हैं, लेकिन सोलिनोइड के लिए एल का वैल्यू स्पेशल हो रहा है, उसको गौर से देखिएगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ से जो मैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के समानुपाती होगा, उसी को यूज करते हुए हम लोग चलेंगे। सिंस मैं ये कहूँगा यहाँ पर, सिंस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपने क्या देखा था, जैसे बैक करिए तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देखा आपने, एन ए बी, या सो एन फाइव लिख सकते हैं पहली बार, उसके बाद उसको लेके चलेंगे। तो यहाँ से आइए हम लोग फिर बार मान बैठाएंगे, तो मैं कहूँगा यहाँ पर एन फाइव प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ से देखिएगा गौर से एन फाइव इज इक्वल टू एल इंटू आई, एल इंटू आई, तो यही एल हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, या ओनली इंडक्टेंस भी बोलेंगे। तब हमारा वहाँ पर से हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू हो जाएगा एन फाइव बाय आई। अब एन फाइव और का मान बैठाइए, पीछे से हम लोग देख के लाते हैं एन फाइव का मान कितना हो जाएगा, एन फाइव का मान कितना हो जाएगा, एन बी ए, एन बी ए, और फिर बी का मान क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, राइट। तो वहाँ ईमान बैठाते हैं, फिर बी के जगह पर इसको पुट करेंगे, हमारा मेन क्वेश्चन आ जाएगा, मेन चीज़ें निकल जाएगा। तो चलिए देखिए उसे, यहाँ से मैं इसको एल बराबर हमारा हो जाएगा, गौर करके देखिएगा एन फाइव का मान कितना है, एन ए बी बाय आई, फिर एन रहने दीजिए, ए भी रहने दीजिए, बी का मान क्या था, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई बाय आई। तो खूब गौर से देखिए एक चीज, आपका एल बराबर आपका हो जाएगा, म्यू नॉट को सबसे आगे ले आइए। अब एक चीज और, ये कैपिटल एन को हटाना है यहां से, कैपिटल एन को यदि आप रिमूव करना चाहो, हाँ कैपिटल एन बराबर एन इंटू स्मॉल एल होगा, तो यहां से हो जाएगा ए, ठीक है कैपिटल एन के जगह पर एन इंटू एल इंटू ए इंटू एन इंटू आई बाय आई, आई आई यहीं कट गया आपका, ये कट जाएगा, इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका एल बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। कोई भी सोलिनोइड जब आप लेंगे तो बिना करंट फ्लो कराए उसमें एन का मान तो आपको पता रहेगा, यूनिट लेंथ में कितना फेरा है तार का लपेटन, उसके पूरे सोलिनोइड का लेंथ कितना है वो मालूम रहेगा, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा ये मालूम रहेगा। कोई भी सोलिनोइड लेंगे तीन चीज आपको मालूम रहेगा, उस तीनों का चीज का मान बैठाएंगे उस सोलिनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस एल है वो आपको निकल जाएगा। तब आपसे मैं कहूँगा यहाँ पर, अब आपका जो मेन बात है उस पर चले आते हैं। मेन बात हम लोगों का है कि यहाँ पर पढ़ना है मैग्नेटिक इनर्जी, मैग्नेटिक इनर्जी, इन ए सोलिनोइड, सोलिनोइड का मैग्नेटिक इनर्जी क्या होगा, तो यू सिंबल देते थे हम लोग, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, एल का मान आप निकाल के रख चुके हो, ये वैल्यू पुट कर देना है आपको यहाँ पर, आइए हम लोग पुट करते हैं U इक्वल टू हाफ इंटू एल, एल का वैल्यू है म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, ये हुआ मैग्नेटिक इनर्जी। अब मैं आपको कहूँगा मैग्नेटिक इनर्जी, मैग्नेटिक इनर्जी कितना हो जाएगा,
तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी यदि निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया कंप्लीट, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब एक फार्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँगा स्टोर्ड मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड, तो मैं आराम से कह सकता हूँ, चेंज करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप को, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए सोलेनोइड, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर सिंपल बात है, यदि यू लिख के इसमें दे देंगे तो डेंसिटी को बताएगा, तो यह बताए थे एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय वॉल्यूम। आप देखो एनर्जी आपने निकाल के रखा है यहाँ पर, ये वाला बात, वॉल्यूम क्या होगा, सोलेनोइड का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी हो गया 1/2 इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल इंटू आई स्क्वायर बाय ए इंटू एल हो जाएगा, ए एल ख़त्म हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी आपका हो जाएगा यहाँ पर, एनर्जी डेंसिटी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। इस आई को थोड़ा चेंज करने का प्लानिंग है, इस आई को चेंज करते हम लोग कहाँ से, एक न्यू टर्म लेके आई को हटाते हैं यहाँ से, आइए गौर से देखते हैं। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, यहाँ तक रहने देते हैं, बगल में जरा सा देखिएगा, यहाँ पर कुछ काम करते हैं, गौर से देखिएगा आप लोग। हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, याद करिए जल्दी से, तो पढ़े थे। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से आई ले लेते हैं, आई बराबर यदि लेते हैं यहाँ से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बी बाय म्यू नॉट इंटू एन। अब आई स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की जगह पर इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे तो देखिएगा कुछ नयापन आ जाएगा, जैसे पुट करते हैं तो गौर से देखिए, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट पहले से है, एन स्क्वायर पहले से है, आई स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर गायब, म्यू नॉट एक टू गायब, एक टू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली अलग कलर में आपको लिख देता हूँ, यही आंसर याद रखना है आपको, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी बराबर हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट, यही हुआ एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। यदि कोई बोले कहीं पर सोलेनोइड ही नहीं किसी और जगह में बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू बताओ, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको। तो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म आपको दिखाई पड़े, मैग्नेटिक एनर्जी यही हो गया सोलेनोइड का स्पेशल, फिर उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी में लिखे, इस रूप में लिखे,
फिर हम लोग फाइनली इस रूप में लिखे, मतलब क्वाइल लेंगे, सोलेनोइड लेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होना है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी हमको मालूम है। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड बी मालूम है तो डायरेक्ट हम एनर्जी डेंसिटी बता सकते हैं कि उस सोलेनोइड के यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। इस रूप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ रहे, करंट दिया रहे तो इसको यूज करेंगे, करंट कितना फ्लो करा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इसके मदद से निकाल पाएंगे। तो ये सब स्टेप हुआ, ये सब फॉर्मूला हुआ, हम लोगों को ये सब दिमाग में सेट करना है। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड जो टर्म होना चाहिए वो सारे टर्म को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही प्रबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबल दावेदार क्वेश्चन है ये, मैग्नेटिक एनर्जी इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ये सब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ये एकदम ध्रुव सत्य है, इसको फिक्स मान लीजिए और इसको जितना अच्छा से आप तैयार दो बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है, ओके, आगे बढ़े। यस, अब हमारे पास टर्म था म्यूचुअल इंडक्शन, जिस पर हम लोग गप करने वाले थे, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग देखेंगे, गौर से समझेंगे, विचार करेंगे, ये क्या चीज हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन शुद्ध हिंदी में कहते हैं उसको अन्योन्य प्रेरण, ये क्या है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत आसान बात है। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन की घटना को सुन चुके हैं तो इसमें देखेंगे। सेल्फ इंडक्शन की घटना को आपने यदि सुना है तो उसमें आपको सुनने को मिला होगा, एक ठो क्वाइल रखते हैं और उस क्वाइल में करंट फ्लो करते हैं, करंट के वैल्यू को बदल देते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो उस क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न हो जाता है, प्रवाहित होने लगता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। तो इसी घटना को कहा था सेल्फ इंडक्शन। लेकिन आपको यहां देखने को मिलेगा एक कोई क्वाइल है और उस क्वाइल में करंट फ्लो कराओ और उसके बगल में दूसरा क्वाइल रखा हुआ है, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, बस बगल में रखा हुआ है, तो उस बगल में रखा हुआ दूसरा क्वाइल है ना, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। तो एक क्वाइल में धारा परिवर्तित करने पर, करंट के मान को चेंज करने पर, उसके सामने रखे हुए दूसरे क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होने की जो घटना है, इसी को कहा गया है म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण। स्वयं के क्वाइल में जो हो रहा है उसमें सेल्फ इंडक्शन, ये क्वाइल के कारण दूसरे क्वाइल पे जो हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पर जो दो क्वाइल हुआ वो दोनों क्वाइल में से एक क्वाइल जिसमें हम करंट देते हैं उसको कहेंगे प्राइमरी क्वाइल, क्या कहेंगे उसको, प्राइमरी क्वाइल, और बगल में रख के दूसरे क्वाइल से जो करंट लेंगे उसको सेकेंडरी क्वाइल कहेंगे, क्या कहेंगे। आपके मोहल्ले समाज में जो जितने भी ट्रांसफार्मर देखे जा रहे हैं, सभी ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव 3 बार पूछ चुका है कि आपके मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एकदम छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन का जवाब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है 3-3 बार। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे बच्चे क्लास में पूछता था, यहाँ भी पूछा है 2-2 बार कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी तरह से यहाँ बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बोलेंगे यहाँ, यहाँ बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, क्या बोलेंगे यहाँ पर, म्यूचुअल इंडक्शन
के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट, क्लियर गप? यस। तो इसको चलिए आइए थोड़ा सा समझ। इसमें भी कोई कांस्टेंट, जैसे कि आपने देखा था सेल्फ इंडक्शन की घटना में एक कांस्टेंट टर्म आया था जिसका सिंबल लिखा था एल, और उसको कहा था सेल्फ इंडक्टेंस, या शॉर्ट में सिर्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, काम हो जाता है। तो यहां पर भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा जिसका नाम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या नाम होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरकत्व। सो दिनदीप क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व बोलेंगे। उसका सिंबल कैपिटल एम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैपिटल एम यूज करते हैं। आइए जरा सा उसको फिगर के साथ देख लेते हैं और काम को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। यहां पर आप मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाइल है, अब इस क्वाइल को इस तरह से जोड़ देते हैं, इसके बगल में दूसरा क्वाइल रखते हैं, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। आपको समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? चलिए बोलिए। धारा के परिमाण और दिशा दोनों को बताता है। और यहां पर जो जोड़ा गया है अल्टरनेटिंग सोर्स, एसी सोर्स शॉर्ट में कहते हैं, एसी सोर्स अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ते हैं इसको, एसी सोर्स जो इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट देगा, इस सोर्स में जो करंट देगा वो करंट देगा आई, और ये होगा परिवर्तनशील धारा, परिवर्तनशील धारा होगा ये। अब जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे, यहाँ पर सर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाना है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न जैसे होगा तो यहाँ से फील्ड लाइन्स गुजरेगा, फील्ड लाइन्स इस तरह से गुजरेगा। तो जो फील्ड लाइन्स यहाँ से चला वो फील्ड लाइन्स इस सतह से होते हुए गुजरते हुए यहाँ निकलता है। तो जिसमें करंट हम लोग दे रहे हैं, जिस सोर्स में करंट दे रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी क्वाइल। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी क्वाइल कहेंगे इसको। इसमें जो धारा लिखेंगे सिंबल देंगे आई पी, और इसमें इसको कहेंगे सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल इसको खोलेंगे। इसमें जो धारा इंड्यूस्ड होगा वो धारा कहलाएगा आई एस कहेंगे। क्या कहेंगे? आई एस। इसमें क्वाइल के फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या एन पी बोलेंगे, और इसमें कहेंगे एन एस बोलेंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप देखना गौर से, देखा गया था कि मेन करंट तुम्हारा यहां पर आई भी हुआ, ये आई एस हुआ इंड्यूस्ड करंट, ये आई एस क्या हुआ तुम्हारा इंड्यूस्ड करंट हुआ यहां पर तुम्हारा, और ये जो हुआ तुम्हारा मेन करंट हुआ तुम्हारा। इसमें करंट फ्लो किए सेकेंडरी क्वाइल में फील्ड लाइंस गुजरेगा, यहां फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहां जो फ्लक्स उत्पन्न होगा फाई एस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाई एस। सेकेंडरी क्वाइल में जो फ्लक्स होगा उसको कहेंगे फाई एस। प्राइमरी में भी फील्ड लाइंस गुजरेगा, यहां भी तो बोलेंगे फ्लक्स, तो यहां पर कहेंगे फाई पी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, उस क्वाइल से मतलब है। अब जरा सा बात कर से समझिएगा, सारे बच्चों के पास नोट्स है, उसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि किसी एक क्वाइल में परिवर्तनशील धारा प्रवाहित करने पर उसके सामने स्थित या उसके निकट स्थित दूसरे क्वाइल में ईएमएफ उत्पन्न होने की घटना को ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना में कांस्टेंट टर्म आता है, उस कांस्टेंट टर्म को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। उस म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा आइए जरा सा उसको देखते हैं। यहां पर भी
सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स हो जाएगा, एक टर्न में फ्लक्स हुआ फाइ एक्स और फेरोक संख्या एन एस, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हो जाएगा एन एस इंटू फाइ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। तो मेन करेंट तुम्हारा कौन है, आई एस है कि आई पी है, आई पी मेन करेंट है, आई पी लिखेंगे यहाँ पर। करेंट आपने फ्लो कराया यहाँ, इसमें सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, फ्लक्स संबद्ध होता है और उसमें परिवर्तन होने से यहाँ पर हम लोग देखेंगे गौर से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एन एस इंटू फाइ एस इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट टर्म एम इंटू आई पी हो जाएगा। तो यही पर यहाँ पर जो एम इक्वल टू आपका हो जाएगा एन एस फाइ एस बाय हो जाएगा आई पी हो जाएगा। इसी एम को कहेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग कहेंगे एम हुआ तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो हिंदी में कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। तो आपके मोहल्ले का जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसको यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें, आप लोग बोल सकते हो कैसे, सुन लीजिए सीखने के लिए। अब यदि इस आई पी का वैल्यू वन ले लें, यदि प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा का मान यूनिट हो, वन एम्पियर हो, यूनिट करंट फ्लो कराएंगे, तो सेकेंडरी कॉइल में से संबद्ध टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा उसी को कहा जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यदि इफ आई पी इक्वल टू वन एम्पियर देन एम इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एस इंटू फाइ एस। तो यही बोला गया आपको, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ तक जैसा ध्यान दे लीजिएगा। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा, दो क्लासेस में आपको और लेने हैं और दो क्लास के बाद आपका फिर टेस्ट ले लिया जाएगा, टेस्ट लेके फिर आपको इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए एकदम तैयार होते जाइए, मौका मिला आपको रिलैक्स में घर में बैठने का, जो भी बच्चे जहाँ भी हैं जैसे भी हैं आपको मौका मिल चुका है, उस मौका का फ़ायदा उठाना है। नोट्स भेज चुका हूँ, डिस्कस करके समझा दे रहा हूँ, टेस्ट भी ले लूँगा, 100% तैयार करा दूंगा, इसको बाद में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी साथ ही साथ कर लीजिए। और संजोग से अल्टरनेटिंग करेंट जस्ट दो दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख तक में लौट के आते आते सब बच्चे को, तब तक हम लोग 100% अल्टरनेटिंग चैप्टर खत्म करके तैयार होके आएंगे। ओके, बाय बाय।